आज बात करते हैं कि जो लड़की बहन योजना है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही थी। उसके अंदर आप देख पा रहे थे कि जो भी यूज़र या फिर जो भी लोगों ने फॉर्म भरा है उनके खाते में पैसे नहीं आए। बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे तो आ चुके थे लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारे लोगों के जो है अकाउंट में पैसे नहीं आए। जो बाजू वाले होते हैं उनके अकाउंट में आ चुके लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आए, तो बहुत सारे लोगों को जो है इसकी चिंता सता रही थी। किसके क्या कारण हो सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारे पैसे नहीं आए तो किस वजह से नहीं आए, वही कारण हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो है पैसे आने के कारण खुश है लेकिन बहुत सारे लोग चिंतित है कि उनका पैसा नहीं आया। ओके, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर इसके जो है रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले और मेजर रीज़न है, आपको बता देता हूँ कि आपको जो है आधार कार्ड आपके जो बैंक से लिंक नहीं है। ओके, तो होता क्या है, और आपका अकाउंट जो भी आपने अकाउंट फॉर्म में फिल किया है ओके, वो भी अगर आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी हो रहा था कि उन्होंने अकाउंट दिया था दूसरा और उनके जो पैसे आए दूसरे अकाउंट के अंदर, तो एक इस वजह से हुआ है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका अकाउंट जो है पर्टिकुलर अकाउंट से लिंक था लेकिन वो उन्होंने पहले ही एक अकाउंट ओपन किया था तो उसे भी लिंक था। तो बहुत सारे लोगों ने जब फॉर्म भरते वक्त जो अकाउंट डाला था उसके अंदर पैसे नहीं आए लेकिन वो अदर्स जो भी आधार कार्ड जहाँ पर लिंक था। होता क्या है, बहुत सारे लोग के एक छोड़ के चार चार पाँच पाँच अकाउंट होते हैं या फिर तीन दो ऐसे अकाउंट होते हैं बैंक अकाउंट। तो जब आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि आपने अकाउंट दिया था दूसरा और उनके पैसे आए हैं दूसरे ही अकाउंट में। बहुत सारे लोग जो अकाउंट दिया था उसके अंदर चेक करे उसके अंदर पैसे नहीं आए लेकिन बहुत सारे लोगों का जो आधार लिंक है दूसरे अकाउंट से था तो वो डायरेक्ट पैसे आपके जो है दूसरे वाले अकाउंट में भी आ सकते हैं। तो आपने जो है ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी अकाउंट है सब चेक करना है उसके अंदर पैसे आए या नहीं। बहुत सारे लोग इधर ही चेक कर रहे थे पैसे आए नहीं मैसेज आए नहीं लेकिन आपका जो अदर्स अकाउंट है वह भी अगर आधार लिंक हो तो डायरेक्ट वो जो है पैसे आपके आधार अकाउंट पर जा रहे हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड लिंक नहीं इसी कारण उनका जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है। ओके, तो आपने चेक करना है कि आपका जो आधार कार्ड जो है आपके बैंक से लिंक है या नहीं। ये ऐसे हो रहा है कि जो भी जो सरकार है इसने यही निर्णय लिया है कि जिसका भी आधार कार्ड लिंक होगा वहाँ पर जो है ये पैसे चले जाएंगे। ओके, आपने अगर अलग अकाउंट दिया हो लेकिन आपको जो है अलग अकाउंट में भी जो है पैसे आ सकते हैं। ओके, तो आपने जितने भी अकाउंट वो चेक करना है। ओके, और बात करते हैं कि हफ्ता बहुत सारे लोगों को जो है पैसे मिले और बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले। ओके, उसका क्या कारण हो सकता है मैं आपको दिखा दूँ। जो यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख पाओगे कि 17 अगस्त तक जिसको जिसको पैसे आ चुके पहला हफ्ता उन्हें मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जो अगला सितंबर में जो है उनको जितने भी ये 3500 जो है अगले हफ्ते में मिल जाएगी। ओके, जिसके भी 17 अगस्त तक थे उन्हें जो पहला हफ्ता मिल चुका है, अदरवाइज दूसरे हफ्ते के लिए आप देख पाओगे सितंबर में उन्हें जो है पैसा आएगा और जितने भी बचे ये 3000 और अगले महीने के 1500 ऐसा मिलाकर जो है 4500 रुपये उनको मिल जाएंगे। ओके, तो एक मेजर कारण ये था जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लिंक ना होने के कारण जो है बहुत सारे लोगों को जो है उनका अकाउंट में जो है पैसे नहीं आए और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुआ कि जिनका अकाउंट दूसरे बैंक से अटैच था वो पैसे उधर चले गए। ओके, जिस जो फॉर्म में उन्होंने भरा नहीं था वो उसमें पैसे नहीं आकर जो अदर्स बैंक में जो पैसे चले गए, ऐसे बहुत सारे लोगों का भी हुआ है। तो आपने भी ये चेक कर लेना है कि आपके अदर्स बैंक में पैसे आए हैं या नहीं, या फिर आपने जो फॉर्म भरते हो जो अकाउंट नंबर डाला था उसके अंदर नहीं आए तो जो आपके अदर्स अकाउंट है उसमें चेक करना है आपने। ओके, आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे आपको क्या करना है और क्या कुछ नहीं करना है। ओके।